आज मट्टी निकलेगी हमारी लद्दाख की, वो आज यहाँ सर्विस सेंटर पे निकलेगा। आज मौसम एकदम साफ, कल मैं निकल रहा था, कल बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं और मोहसिन साथ में चंडीगढ़ से बाइक ट्रेन में डाले थे, तो जब हम लोग दोनों निकल रहे थे तो तब पता चला कि मतलब किसी एक की बाइक की चढ़ी है, और वो किसकी चढ़ी है, वो चढ़ी थी मोहसिन की। तो मोहसिन तो कल अपना बाइक लेकर आ गया, तो आज मेरे को जाना है अपनी बाइक लेने के लिए, वो भी बांद्रा। मैं निकल रहा हूँ, मैं हूँ और मेरे साथ में है, मैं जी को भी लेके जा रहा हूँ। जी रेडी? साथ में मैं अपने हेलमेट ले रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से रिटर्न आना है तो फिर हेलमेट तो लगेगा। और एक बैग ले रहा हूँ, बैग के अंदर है एक पेट्रोल का बॉटल है, पेट्रोल इसके लिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ से पेट्रोल मिलेगा नहीं। गाड़ी हमने जब दिया था तो ट्रेन में जब उन लोग डालते हैं तो पूरा पेट्रोल निकाल लेते हैं, उसमें पेट्रोल रखते नहीं है, रिस्की रहता है। ट्रेन में डालते वक्त कुछ फायर वायर ना पकड़ ले, इसकी वजह से लोग पूरा पेट्रोल खाली करके निकल। तो वहाँ पे पेट्रोल मिलेगा स्टेशन के पास, लेकिन ब्लैक में 200 रुपये लीटर है, ऐसा हमको सामने वाले ने बताया। तो इसके लिए हम यहीं से कैरी करके लेके जा रहे हैं, तो इसके लिए बैग लिया ताकि ट्रेन में भी कुछ मसला ना हो। तो बैग कैरी कर लिया, हाथ में पकड़ूंगा तो थोड़ा लोचा हो जाएगा, पकड़ लेंगे तो फिर वो एक अलग रिस्क है। तो पेट्रोल यहीं से, और पेट्रोल बॉटल में भी यहीं पर भिवंडी से ही मिलेगा हमारे को, क्योंकि वहाँ जाने के बाद कोई बॉटल पे मुंबई पे देते नहीं है, वो भी ऐसा भी मैंने सुना। तो इसके लिए भिवंडी से ही मैं पेट्रोल लेके जा रहा वाली हो। कुछ पार्सल आया क्या? कहाँ है? गंदगी। तो अभी बाइक मैंने बाहर निकाल दिया है, और बाहर निकालने के बाद जो फटका बैठा है वो है सिर्फ और सिर्फ क्लच टूट गया है और ये नीचे की तरफ बैठ गया है। और ये क्लच मैंने ले में लगाया था, और एकदम हल्का वाला क्लच है मेरे पास, जो पुराना वाला है उसको मैंने ठीक करके ले लिया था ले से। तो अभी वो जाके ही वही वाला फिट कर देता हूँ, तो लोकल क्लच लगा के मतलब नहीं हो। बाकी देखा जाए तो और कुछ ख़राबी नहीं है, बाकी सब एकदम ओके है। और ये जो मिट्टी लगी है, पाउडर लगा है, ये सब लद्दाख की देन है भाई, ये लद्दाख से हम लेकर आए यहाँ तक का। ऑयल मैंने मनाली में चेंज कराया था, तो ऑयल अच्छा ही है, 200-300 और चल गई रहेगी मनाली से, बाकी ऑयल एकदम अच्छा है, कूलेंट भी सही है। गिरने के बाद थोड़ा बहुत फटका लगा है, देखो ये भी टूटा है, ये शील्ड विंडशील्ड टूटा है, और मीटर टूटा है, साइड लाइट टूटा है, और ये पूरा घस गया है, टाकी पूरी एक साइड पूरी घस गई है, ये देखो। थोड़ा बहुत झटका बैठा होगा इसके लिए, उस गिरी इस साइड थी, बम्पर में कुछ नहीं आया है, ये बुलेट के ऊपर गिरी थी, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ फटका नहीं बैठा है बाकी के ऊपर, खाली टाकी के ऊपर बैठा है, और क्लच के ऊपर बैठा था वो मैंने निकाल के रख लिया है, बम्पर उम्पर बच गया है। पीछे का भी हिस्सा, बैग पीछे की तरफ ज़्यादा निकला था इसके लिए पीछे का भी बच गया है, पीछे का भी कुछ नहीं हुआ है। हिंदा हाँ, इसको भूख लगी है तो हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, चलो। और इन लोग यहाँ से मतलब ये जो पार्सल ऑफिस है बांद्रा का, यहाँ से बाहर निकालने का 300 रुपया लिए, और सामने की तरफ से हमने जब चढ़ाया था तो 4500, 4500 और ये प्लस 300, तो 4800 रुपया हो गया। तो अभी अभी तो जी है मेरे साथ में, तो बासी भी पार्सल ऑफिस में आने वाला है, क्योंकि उसको कुछ काम है पार्सल ऑफिस में, तो यहीं मिलेगा वो। तो जब तक का हम यहाँ पे कुछ खा लेते हैं, भूख लगी है, ये क्लच बहुत रिस्की है। जी बैठ बैठ बैठ, सही से बैठ जी, नहीं रे रिकी। तो अभी हम लोग यहाँ से शावरमा खाए, तो अभी यहाँ से निकलते। हाँ तो मैं वहाँ से निकला था, देख आया अभी टर्मिनल के पास ही आ रहा हूँ। हाँ पार्सल ऑफिस के पास है, तू इसको खा ले घूमना। मैं बोला टाइम पास के लिए इसको ले लिया था वहाँ, बोला ट्रेन में क्या बैठे बैठे। ये देख ना, ये वापस तोड़ दिए उतारते टाइम। हाँ मैं इसकी कहाँ चला गया, ये इसको लेस नाश्ता करने का था, उसको भूख लगी थी बहुत। मैं डबल हेलमेट नहीं लग रहा हूँ, सोच रहा हूँ लगेगा क्या। पब्लिक तो दिखी डबल हेलमेट है, सिंगल हेलमेट दिखी, पता नहीं डबल हेलमेट लागू हुआ है क्या। अब जाना तो हेलमेट तो लिया नहीं है, ये भी है ना इसका, ये तो चल बच्चे है क्या, इसको आगे बैठा लिया पीछे बैठा लिया, देखते हैं रात का टाइम है क्या डबल हेलमेट।
गाड़ी का थोड़ा बहुत पार्ट चेंज करना था, पीछे की बैरिंग गई थी उसको चेंज किया, और क्लच टूटा था वो भी चेंज हो गया है। ये मैंने अपना पुराना वाले ही क्लच लगा दिया है, जो ओरिजिनल पल्सर के साथ वाला क्लच था वापस लग गया है। बाकी और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब तो क्लेम करना पड़ेगा शोरूम में, तो ऐसा वैसे ही रहने देंगे। तो बाकी आज मिट्टी निकलेगी हमारी लद्दाख की, जो मिट्टी है टायर के ऊपर, इंजन, मडगार्ड पे, सब जो लद्दाख की मिट्टी है वो आज यहाँ सर्विस सेंटर पे निकलेगा। वो ब्लॉग को ख़त्म करने के लिए देखो कौन कौन आया है। उसील दो दांत दिखा के हंस रहा है इधर। जी अभी स्कूल से आई है। अभी हमारा बाइक का काम जो है ख़त्म हो चुका है। ख़त्म बोले तो जो मेन चीज़ था, मेन चीज़ ये था क्लच चेंज करना था, बाकी मैंने कुछ कराया नहीं है। और वॉश करा लिया है, वॉश करा के एकदम क्लीन कर दिया है। तो अभी जो काम है वो बड़े बड़े काम है, जैसे कि मीटर चेंज करना है, इंजन चेंज करना है और टाकी चेंज करना है। तो ये सब अभी मैं चेंज नहीं करा रहा, ये सब बारिश बाद कराऊंगा, क्योंकि बारिश बाद इसके लिए कराऊंगा कि अभी बजट उतना है नहीं। बजट से याद आया कि जो हमारा लद्दाख ट्रिप का जो बजट था उसके बारे में डिटेल के साथ मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगा, वो भी सिर्फ मेरी बाइक का ही नहीं, डोमिनार का, R15 का और पल्सर NS200, तीनों बाइक का पेट्रोल का खर्चा, रहने का और मजा ले रहा है इसको, मजा आ रही है तो आपको पूरा हम लोग तीनों का खर्चा, मेरा, अश्वान का और मोहसिन का, बाइक के साथ में खाने का, सब टोटल खर्चा मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। और नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो देखने मत भूलना, क्योंकि पूरा डिटेल के साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही है, मिलता हूँ मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सेफ रहो। देखो ये टकला कैसे बजा रहा है।